हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वन मधु ब्लॉगर। और आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के मैं वीडियो में दिखाने वाली हूँ आपको, मैं बागेश्वर धाम के आप लोगों को दर्शन कराने वाली हूँ। तो जो लोग अभी तक नहीं गए हैं तो वो इस वीडियो में देख पाएंगे कि वहाँ पर कैसा लगता है, क्योंकि मैं शुरुआत से दिखाऊंगी कि जैसे यात्रा में हम लोग गए तो कैसे गए, रास्ते का व्यू कैसा था, पेड़ पौधे पहाड़ सब कुछ बहुत अमेजिंग था। तो आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगी इस वीडियो में, तो आप लोग लास्ट तक बने रहना और वीडियो को एंजॉय करना। क्योंकि आजकल जहाँ देखो वहीं बागेश्वर धाम की बातें हो रही थी, तो मेरी सासू माँ ने भी वहाँ जाने की इच्छा जताई कि मैं भी जाना चाहती हूँ वहाँ पर। वैसे तो मेरे घर से काफ़ी दूर था, वो बहुत दूर है, लेकिन फिर भी मेरी सासू माँ ने हिम्मत जताई है वहाँ तक जाने की। तो पूरे वीडियो में हम लोग आपको वहाँ की यात्रा कराएंगे, वहाँ की सब चीज़ें दिखाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहना और वीडियो को फुल वॉच करना, ठीक है? ओके। और जो भी न्यू फ्रेंड्स हो मेरे वीडियो के लिए, जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, तो आगे आने वाली सारी वीडियोस आप लोगों को दिखाई देंगी। तो चलिए आगे का वीडियो शुरू करते हैं कि हम लोग कैसे कैसे गए और कैसे कैसे रास्ते थे और वहाँ का क्या नज़ारा था। वहाँ पर भीड़ कितनी थी ये तो आप लोग ज़रूर देखना, और ज़रूरी है आप लोगों को देखना। जो भी नए जाने वाले लोग हैं, वहाँ जाने का सोच रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आप लोगों को जाननी बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी यात्रा। हम लोग आ गए हैं बागेश्वर धाम, और यहाँ पर पूरा गांव-गांव है। मंदिर अभी जाएंगे, वो ऊपर पहाड़ है, इधर गाड़ियाँ लगा दी गई हैं। In 600 meters, take a round.
देखो कितना बढ़िया व्यू है।